हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभीपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि पंजाब सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने पटवारी की जो पोस्ट है उसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी है, ठीक है। तो उसके लिए आप सब अब पंजाब जीके पढ़ेंगे, तो पढ़ तो लिया, उसके बाद आपको क्या करनी है, साथ में उसकी प्रैक्टिस, सो दैट आप उसको एग्जाम में करेक्टली मार्क करके आओ। तो ये जो सेशंस हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे रेगुलर रिवीजन के लिए, तो रेगुलरली इन सेशंस को ज्वाइन कीजिए, साथ साथ अपने पंजाब जीके के ऊपर होल्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इस सेशन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, आई वॉन्ट कि आप सब लोग साथ साथ इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है। और जो भी आपका अटेम्प्ट है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप कर सकते थे। अभी हम बेसिक जीके से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो है पंजाब जीके जो जनरल नॉलेज है इसकी सारी वो कवर करेंगे इन्हीं एमसीक्यू सेशंस के थ्रू। सो आई होप आप सब इसमें साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे और उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो उसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इसका ये ऑप्शन है 51,621 स्क्वायर किलोमीटर, बी इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, सी इज 49,829। देखो जी, तो यदा आंसर तुसी देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन सी, बट ट्राई सबने करना है। तो फर्स्ट का आंसर की है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर पंजाब का टोटल एरिया, टोटल कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखो पंजाब का मैप, जो पंजाब का मैप है वो आपको इसके लिए ज़रूर याद होना चाहिए। अगर आप पंजाब का मैप ही प्रॉपर याद कर लेते हैं तो उसमें से ही हमारा एक दो क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं। तो पंजाब के मैप में आप क्या क्या देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि पंजाब जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है, दैट इज़ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कितनी स्टेट्स और यूटीज, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी के साथ पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 स्टेट्स के साथ, ठीक है जी। देखिए 3 स्टेट्स के साथ करता है, फर्स्ट इज़ हिमाचल प्रदेश जो पठानकोट से लेके चंडीगढ़ तक करता है, उसके बाद नेक्स्ट इज़ यहाँ पे हरियाणा जिसका हमारा शेयर करता है वो चंडीगढ़ से लेके श्री मुक्तसर साहिब तक, और थर्ड है राजस्थान। तो पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 स्टेट्स के साथ, और कौन कौन सी यूटीज़ हैं, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी हैं जिसके साथ पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़, 2 यूटीज़ के साथ पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किससे साथ वो अपना स्टेट, कौन सी स्टेट्स, कौन सी यूनियन टेरिटरीज, कौन सी इंटरनेशनल स्टेट्स के साथ पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हर पंजाब एग्ज़ाम के लिए क्लियर होनी चाहिए। ये पंजाब का जो मैप है, ठीक है, ये तो आपके रूम में होना चाहिए ताकि आपको याद हो प्रॉपरली अगर आप पंजाब एग्ज़ाम की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज जी। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब पंजाब का सब तो वड्डा जिला केड़ा है, इधर इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ लुधियाना, बी इज़ अमृतसर, सी इज़ जलंधर एंड डी इज़ होशियारपुर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगेन इसीलिए बोला था कि हमें क्या करना है, मैप की प्रैक्टिस करनी है। अगर हम मैप को अच्छे से याद करेंगे तो 2-3 क्वेश्चंस हमारे उसी से क्रैक हो जाते हैं। तो जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इस, आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, और इसका आंसर है ए, दैट इज लुधियाना। लुधियाना इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगेन हम मैप पे चलेंगे इसके लिए, देखिए ये है हमारा लुधियाना, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साथ साथ ये भी देखिए, ये है मोहाली, दैट इज़ SAS नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको बेसिक पढ़ना है, साथ साथ MCQs प्रैक्टिस कीजिए और मैप अच्छे से याद कीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड पंजाब हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, मतलब जो पंजाब शब्द है यह केड़ी भाषा तो लिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए हिंदी, बी उर्दू, सी पर्शियन, डी पंजाबी। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, वैसे तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सबने ट्राई मतलब 5वीं से पढ़ा होगा ये, है ना, कि पंजाब शब्द केड़ी भाषा तो बने हैं। तो इहदा आंसर दस दें, इहदा आंसर है जी सी, ठीक है। देखो पंजाब वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, दैट इज पंज एंड आब। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द पर्शियन, दैट इज फारसी भाषा का शब्द तो लिया गया है। तो पंजाब का अर्थ की है, 5 दरियावां की धरती, दैट इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट इज
23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब कौन सा है? तो नेक्स्ट इज विच इज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मतलब कि पंजाब का 23वां जिला जेड़ा कि सब तो नवा जिला है वो केड़ा बनया है? इसके ऑप्शंस हैं ए इज फजिलका, बी मलेरकोटला, सी पठानकोट, डी फरीदकोट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी 2021 में ही न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा पंजाब का कार्व आउट किया गया है। किसमें से कार्व आउट किया गया है? ये किया गया है संगरूर में से। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है वो कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर है जी बी, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट आउट ऑफ संगरूर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? 23rd, दैट इज 23वां जिला बनया। कदों बनया? जून 2021 दे विच। ठीक है, तो उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब? ठीक है, स्टेट एनिमल, बर्ड, ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर ये पूछे भी जाते हैं वन डे टाइप एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसी के लिए आज हम सेशन ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि कैसे आपको इसको आगे पंजाब जीके को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब कौन सा है? ए इज स्वाम्प डियर, बी इज ब्लैक बक, सी इज वाइल्ड वाटर बफेलो एंड डी इज इंडियन बाइसन। तो जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज ब्लैक बक। तो पंजाब का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? काला हिरण। ठीक है, और ये किस और स्टेट का भी ब्लैक बक जो है एक स्टेट एनिमल है? वो है हरियाणा का। ठीक है, तो जो ब्लैक बक है वो पंजाब हरियाणा दोनों का ही एक स्टेट एनिमल है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस देखी जाती है। इसका IUCN स्टेटस भी साथ ही आप देख लीजिए, दैट इज नियर थ्रेटेंड। ठीक है जी, तो क्लियर है कि पंजाब का स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक। किसके साथ कॉमन है पंजाब का स्टेट एनिमल? हरियाणा के साथ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट एक्वेटिक एनिमल ऑफ पंजाब, ठीक है, तो ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल, बर्ड, ये सब तो आपको क्लियर होने चाहिए, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं? इंडस रिवर डॉल्फिन, गंगेज रिवर डॉल्फिन, इरावडी डॉल्फिन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये तो जैसे आपको GS में पता होना चाहिए। ठीक है, GK अगर पंजाब की कर रहे हो तो इस सब चीज़ों को आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि कौन सा बर्ड, एनिमल या एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, तो पंजाब के पास जो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है वो है इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, देखिए इंडस रिवर डॉल्फिन इज द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब। इसका IUCN स्टेटस क्या है वो भी देख लेते हैं, वो है एंडेंजर्ड। ठीक है, और ये कौन सी रिवर्स में मिलती है? देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि दो तरह की जो रिवर डॉल्फिन इंडिया में पाई जाती हैं वो है एक तो इंडस रिवर डॉल्फिन, सेकेंड इज द गंगेज रिवर डॉल्फिन। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये इंडस वाटर सिस्टम जो है हमारा पंजाब में से जो फ्लो होती हैं रिवर्स उनमें है। ठीक है, और जो गंगेज है वो कहाँ पे है? वो उत्तराखंड, UP, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, उन स्टेट से जो रिवर जाती है उसमें मिलता है। ठीक है, तो पंजाब में कौन सी रिवर्स में मिलता है जो हमारी इंडस रिवर डॉल्फिन होती है? वो सिर्फ दो ही रिवर्स में मिलती है। फर्स्ट इज द ब्यास, ठीक है, और एक इज द इंडस। ब्यास जो है वो इंडिया साइड है, ठीक है, और जो इंडस है वो पाकिस्तान साइड, दैट इज वेस्ट पंजाब वाली साइड में जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो इन्हीं दो रिवर्स में मिलती है इंडस रिवर वाटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब दे केड़े जिले दी साक्षरता दर सब तो वध है? ठीक है, लिटरेट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, ए लुधियाना, बी जलंधर, सी होशियारपुर, डी बरनाला। इजी क्वेश्चन है, पता कैसे? अगर आप पंजाबी पढ़ते हैं ना तो देखिए नेम से ही इसका आंसर निकल जाएगा, होशियारपुर। जिथे की मिलते हैं सब तो होशियार लोग, उत्थे दी की साक्षरता दर सब तो वध। ठीक है, तो इसका आंसर है कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज होशियारपुर। ठीक है, कितनी है यहाँ की लिटरेसी रेट? 84.6% जो लोग हैं वहाँ के वो क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। और जो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की साक्षरता दर, दैट इज पढ़े लिखे लोग सबसे कम है, वो है मानसा, और कितनी है परसेंटेज? ओनली 62%। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि लिटरेसी कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है पंजाब की, ये भी आपको साथ साथ कवर करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली आर, मतलब कि पंजाब दे विधानसभा दे विच किन्नियां सीट्स ने, मतलब पंजाब च किन्ने MLA चुने जांदे हन। ठीक है, इहदे ऑप्शंस की ने? 112, 115, 119 ते
17। ठीक है, इजी क्वेश्चन अगेन। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पंजाब क्या है, पंजाब की पॉलिटी कैसे गवर्न हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी, दैट इज 117 आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पंजाब। ठीक है, और हमारी पंजाब की पॉलिटी में क्या है, द लेजिस्लेटर ऑफ पंजाब इज यूनिकैमरल, मतलब कि क्या होता है, सिर्फ एक ही हाउस है, इसमें दो हाउसेज होते हैं, बाइकैमरलिज्म करते हैं हम, तो इंडियन पॉलिटी क्या है, वो है बाइकैमरल। कौन से दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ठीक है, और स्टेट्स में क्या बोलते हैं उसको, उसको स्टेट्स में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पंजाब में सिर्फ सिंगल हाउस है, दैट इज वाई इसको क्या बोलते हैं, ये एक यूनिकैमरल पॉलिटिकल सिस्टम जो है पंजाब का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 117, पर पहले पंजाब भी बाइकैमरल था, बट 1970s में जो पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भी साथ साथ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पंजाब पटवारी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट गोल्ड, केड़े जिले नु कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट गोल्ड ऑफ पंजाब। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ए पटियाला, बी मानसा, सी बठिंडा एंड डी फरीदकोट। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ट्राई कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको लैंड ऑफ वाइट गोल्ड बोला क्यों जाता है। ठीक है, चाहे मैं आंसर बता दूंगी, बट आई वॉन्ट कि आप सब लोग एक्टिवली कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करें, तभी तो फिर मुझे नेक्स्ट मोटिवेशन मिलेगी ना कि आपको आगे क्या बताना है और कितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबने एक्टिवली कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, दैट इज मानसा। जो मानसा है उसको बोला जाता है लैंड ऑफ वाइट गोल्ड, क्यों, क्योंकि ये आती है हमारी कॉटन बेल्ट ऑफ पंजाब में, जिसमें कॉटन की, दैट इज कपाह की सब तो वध खेती की जाती है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द वाइट गोल्ड। ठीक है, तो और क्या है, ये बैकबोन ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट है, तो कॉटन कल्टीवेशन इस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, सेक्स रेशो ऑफ पंजाब इज, मतलब कि पंजाब में लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, मतलब कि 1000 मर्दा के पीछे औरतों की गिनती कितनी है, उन्हों की बोलते हैं लिंग अनुपात, दैट इज सेक्स रेशो, द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, इसके ऑप्शन क्या हैं, ए 880, बी 842, सी 895 एंड डी 912। ठीक है, अभी ये हम सेंसस जो देख रहे हैं इसके लिए डाटा लिया गया है, उसको फॉलो करेंगे, वो है 2011 का, क्योंकि 2021 में जो हमारी सेंसस होनी थी वो ड्यू टू कोविड हुई नहीं है, तो हम 2011 के हिसाब से बताएंगे कि सेक्स रेशियो ऑफ पंजाब इज, आंसर इज सी, दैट इज 895। ठीक है, सो द सेक्स रेशियो ऑफ पंजाब इज 895, और ये क्या हुई है, ये इम्प्रूव हुई है फ्रॉम 2001, तब कितनी थी, 876, तो अभी क्या हुआ है, अभी द काउंटिंग ऑफ फीमेल्स है वो बड़ी है। इसी तरह चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है, चाइल्ड में कौन सी सेक्स रेशो को हम मेजर करते हैं, वो है 0 to 6 year age तक। ठीक है, 0 to 6 year age group तक कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, वो कितनी है, 846, और ये भी इम्प्रूव हुई है कंपेयर टू 2001 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग, 2011 में ये इम्प्रूव हुई है। 2001 में अप्रॉक्सीमेटली 817 जो फीमेल्स थी, चाइल्ड गर्ल्स थी, वो पाई जाती थी मेल्स के, बॉय चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे आज के लिए आपके पंजाब जीके के प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आई होप आप सबने साथ साथ इनको ट्राई किया होगा और समझा होगा कि हमें कैसे सारा पंजाब का जीके कवर करना है। ईजी है, आप डेली इन MCQ सेशन को ज्वाइन कीजिए और आपकी पंजाब जीके की मैक्सिमम जो प्रिपरेशन है वो इन्हीं सेशन से हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बी प्रिपेयर्ड एंड बी ऑन टाइम। थैंक यू।